यूनियन एक बार फिर जो है वो सड़कों पर उतर आई है अपने मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आज मेमोरेंडम देने के लिए जो है वो जा रहे थे, लेकिन तमाम उनके लोगों को, ई रिक्शा यूनियन को रोका गया। और फिलहाल जो प्रेसिडेंट है गौरव कपूर जी, उनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया। और यहाँ पर ई रिक्शा यूनियन के बाकी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो मेमोरेंडम था और क्या कुछ उसमें मेमोरेंडम में लिखा हुआ था और किस तरीके की इनको परेशानी आ रही है, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो मेमोरेंडम आप देने जा रहे थे और फिलहाल आपको यहाँ पर रोका गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, पहले आपके जितने भी दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से राम राम। मेरा नाम सेठी वर्मा है, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन का मैं सेक्रेटरी हूँ। आज हम हरी सिंह पार्क से होते हुए डीसी ऑफिस जाना था, हमने एक पीसफुल हमारी रैली थी जिसमें हम एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे। तो ये मेमोरेंडम में हमारा कुछ हम राहत चाहते थे अपने साथियों के लिए, अपने रिक्शे वालों के लिए। जो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दबाव डाल के इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, जब कोई बात मनवानी होती है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, चक्का जाम। तो इन्होंने वो करके हमारे लिए जो है जोन बनाए एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर में करके, जब भी कोई बात होती है ये चक्का जाम करने की धमकी देते हैं और इस धमकी को हम नहीं मानेंगे। जो जोन में चलने की बात कहते हैं, रूट में चलने की बात कहते हैं, क्या आज हमारे जो 6,500 ई रिक्शा है, क्या ये जोन में चल के अपना घर परिवार चला पाएंगे या क्या अपने EMI गाड़ी की दे पाएंगे? आज हम कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे, अगर वो जोन में भी चाहते थे तो हम कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे कि हमें कुछ ये रिलैक्सेशन जो है दी जाए। हम उसी के रिगार्डिंग आज अपना मेमोरेंडम जो है डीसी ऑफिस देने जा रहे थे, पर बदकिस्मती ये है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद हमारी यूनियन से बहुत डर लगता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब से बहुत डर लगता है। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो सरकार को कोई और चला रहा है, जिस कारण से आज हमारे प्रेसिडेंट साहब को डिटेन किया गया है। तो ये जो लड़ाई है ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है, जिसको मॉनिटरिंग जो है हमारे LG साहब कर रहे हैं और उसका जो अपने ब्रांड एम्बेसडर का रोल है वो हमारी यूनियन कर रही है, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन, और उसका जो लीड कर रहे हैं वो हमारे प्रेसिडेंट गौरव कपूर कर रहे हैं। तो ये ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो आए दिन की ये गुंडागर्दी है, ये हम चलने नहीं देंगे। और आज हमारा परिवार 2000 से 6,500 परिवार हो चुका है, और ये दिन ब दिन और 2 महीने में आप देखेंगे ये परिवार 10,000 का हो जाएगा। तो क्या ये जोन में चल के हमारे परिवार वाले अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे? क्या ये अपने घर का गुजारा चला पाएंगे? क्या मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, हम अपने रिक्शे बंद करने को तैयार हैं, जितने भी हमारे साथी रिक्शे वाले हैं आप इनको रोजगार दे दो, हम अपने रोजगार की डिमांड करते हैं। आज हमारे ई रिक्शा वाले 200-400-500 रुपया कमा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम वो अपना कारोबार तो कर रहे हैं, बेरोजगारी होगी तो आप नेचुरली बात है कि क्राइम रेट बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, कुछ होंगी, कम से कम ये तो है। आज सरकार ने अगर हमें स्मार्ट सिटी के तहत जो रिक्शा दिया है वो है 15 किलोमीटर के दायरे में चलने के लिए, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं से भी सवारी उठा सकते हैं, पर हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ट्रांसपोर्ट को प्रेशर किया गया है तो हमें जोन में ये बात करने इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तब हमें एक्सेप्टेबल होती जिस वक्त हमारा जो परिवार है 200-400-500 का होता, आज 200-400-500 का नहीं है, ये लगभग 6,500 का परिवार बन चुका है, जम्मू का सबसे बड़ा परिवार अगर कहें तो। हम एलिगेशन किसी पे नहीं लगाना चाहेंगे, किसी और ट्रांसपोर्ट पे नहीं लगाना चाहेंगे, पर हम बात करेंगे अपने हक की। हम सरकार से यही गुहार करेंगे, यही उम्मीद करेंगे, यही डिमांड करेंगे, जो आपने स्मार्ट सिटी के तहत ई रिक्शा लाया था हम उसी लॉ के हिसाब से चलने को तैयार हैं। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पर जब कभी इनकी रोजी रोटी पे आया उसके बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होगी या कौन होगी, या ऐसे लोग होंगे जो 20 रिक्शा को रिप्रेजेंट करते हैं उनको आप गोदी में बिठा लेते हो? जो बंदा 6,500 को रिप्रेजेंट कर रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ये भेदभाव क्यों है? हम एक बात मैं अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम ना उनके बैनर के नीचे आते हैं, ना उनके अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। हमारा जो है ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हम उसके अंडर आते हैं, वो यूनियन हमारी है और वो चीजें हमने बना के रखी है, हमारा कभी भी इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा और ना ही हम जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम क्लियर कर रहे हैं कि आइंदा के लिए आप हमारे लिए रोड़ा मत बने, कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग कल रोड़ों पे उतर जाएं तो आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाए। जब भी देखिए आप इनके प्रेशर में आके
आरटीओ डिपार्टमेंट जो है या कोई और डिपार्टमेंट्स हैं वो ई रिक्शा को ही टारगेट करते हैं, इन्हीं को चालान करते हैं। हम अपने सारे साथियों को बात बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कीजिए। इनके सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक इंश्योरेंस, एक आरसी और एक लाइसेंस। ये हम कहते हैं तीन डॉक्यूमेंट जो है आप अपने पूरे रखो। आपका ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका कोई रेड नहीं है। जहां पर भी आप लोगों का और सवारी का जहां पर भी आपका बैलेंस बैठता है वही आपका रेट है। और इसके बाद एक बात हम और बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम बहुत जल्द अपने यूनियन की ओर से एक रेट लिस्ट निकालेंगे। हमारे रिक्शा वाले उसी रेट के हिसाब से चलेंगे। अगर उसके बाहर कोई जाएगा तो उसको यूनियन भी चालान करेगी और आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी चालान करेगा।